आज बाबा की 18 तारीख 8 मास की मुरली है और मुरली का विषय है भाग्यवान युग में भगवान द्वारा वर्षे और वरदानों की प्राप्ति। बाबा कह रहे हैं, आज सृष्टि वृक्ष के बीज रूप बाप, कल्प वृक्ष के बीज रूप बाप अपने वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। जिस फाउंडेशन द्वारा सारे वृक्ष का विस्तार होता है, विस्तार करने वाले सार स्वरूप विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। अर्थात वृक्ष के आधारमूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। आधारमूर्त है और वृक्ष को विस्तार करने के निमित्त है। डायरेक्ट बीज रूप द्वारा प्राप्त की हुई सर्व शक्तियों को धारण करने वाली विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा के सन्मुख जो आत्माएं हैं अथवा मुरली सुनने के सन्मुख जो आत्माएं हैं उनकी विशेषता बाबा बताते हैं। सारे विश्व की सर्व आत्माओं में से सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं को ये विशेष पाठ मिला हुआ है। कितनी थोड़ी आत्माएं हैं जिन्हों को बीज के साथ संबंध द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति का पाठ मिला हुआ है। बीज के साथ अर्थात किसके साथ? शिव बाबा के साथ। और शिव बाबा को बीज रूप महसूस करना, पॉइंट ऑफ लाइट महसूस करना, ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सिर्फ बच्चों को ये दो शब्द याद रहे, आज बाबा ने विशेष मुरली में कहा है ये दो शब्द याद रहे। कौन से दो शब्द? भगवान और भाग्य। दो शब्द याद रखना है, भगवान और भाग्य। भाग्य अपने कर्मों के हिसाब से सभी को मिलता है। द्वापर से अभी तक आप आत्माओं को भी कर्म और भाग्य इस हिसाब किताब में आना पड़ता है, लेकिन वर्तमान भाग्यवान युग में भगवान भाग्य देता है। एक्स्ट्रा भगवान भाग्य देता है। भाग्य के श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि, श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम आप बच्चों को देते हैं, जिससे जितनी श्रेष्ठ स्पष्ट और जन्म जन्मांतर के भाग्य की लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। और कोई समय को ये वरदान नहीं है, इसी समय को ये वरदान है। जो चाहो जितना चाहो उतना पा सकते हो, यही संगम युग के समय में। क्यों? क्योंकि भगवान भाग्य का भंडारा बच्चों के लिए फिराक दिल से बिना मेहनत के दे रहा है। खुला भंडार है, ताला चाबी नहीं है, और इतना भरपूर और अखूट है जो जितने चाहे और जितना चाहे ले सकते हैं। जितने बच्चे चाहे और जितना चाहे उतना ले सकते हैं। बेहद का भरपूर भंडारा है। बाप दादा सभी बच्चों को रोज यही स्मृति दिलाते रहते हैं कि जितना लेना चाहो उतना ले लो, यथाशक्ति नहीं बड़ी दिल से ले लो, लेकिन खुले भंडार से, भरपूर भंडार से लो। अगर कोई यथाशक्ति लेते हैं तो बाबा क्या कहेंगे? बाप भी साक्षी होकर देख देख हर्षाते रहते हैं, कैसे बोले बोले बच्चे हैं जो थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। क्यों बाबा? यहाँ भी बच्चे थोड़े में खुश हो जाते हैं, क्यों? तो कहते हैं 63 जन्म भक्तिपन के संस्कार है थोड़े में खुश होने के। बच्चा चाहिए बच्चा मिल गया, धन चाहिए धन मिल गया,
कोई विघ्न आया वो टालना चाहते वो टल गया तो खुश हो जाते हैं, बस थोड़ा मांगा और मिला तो खुश हो जाते हैं, ये भक्ति के संस्कार हैं। तो बाबा कहते थोड़े में खुश होने के कारण अभी भी संपन्न प्राप्ति के बजाय थोड़े को ही बहुत समझकर उसमें राजी हो जाते हैं। इस समय अविनाशी बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का समय है, ये भूल जाते हैं। बाप दादा फिर भी बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, समर्थ बनो, शक्तिशाली बनो, अभी टू लेट नहीं हुआ है। लेट आए हो लेकिन टू लेट का समय अभी नहीं है, इसलिए अभी भी दोनों रूप से, बाप रूप से वर्षा और सद्गुरु रूप से वरदान मिलने का समय है। तो वरदान और वर्षे के रूप में सहज श्रेष्ठ भाग्य बना लो। अभी श्रेष्ठ कर्म करने का मौका है। 63 जन्म में गृहस्थ में रहे तो गृहस्थ का ही कर्म करने का है ना, घर में ही कर्म करने का है। और उस कर्म में जो अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल, बुरा कर्म किया तो बुरा फल, हिसाब किताब है। अभी संगम युग में बहुत बड़ा भंडार खुला है, क्योंकि विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है ना। तो उस कार्य में जो जितना भाग्य बनाना चाहे भाग्य बनाने का मौका है, इसलिए बाबा के भाग्य के द्वार खुल गए हैं। तो वरदान और वर्षे के रूप में सहज श्रेष्ठ भाग्य बना लो। फिर ये नहीं सोचना पड़े कि भाग्य विधाता ने भाग्य तो बांटा लेकिन मैंने इतना ही लिया। भाग्य विधाता ने तो क्या कहा था, जितने लोग लेना चाहे और जितना लेना चाहे, भरपूर भंडारा है। और ताला चाबी है नहीं है। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे यथाशक्ति नहीं हो सकते। अभी वरदान है, जो चाहो वो बाप के खजाने से अधिकार के रूप से ले सकते हो। कमजोर अगर हो तो भी, बाबा कहते कमजोर हो तो भी बाप की मदद से, हिम्मत बच्चे मदद बाप। कुछ बात आपको नहीं आती है और बाबा कहते हैं करने के लिए तो भी करो, हाँ करो, कभी ना नहीं करो, क्योंकि उसमें क्या होता है, बाबा की मदद होती है। वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो, बाकी थोड़ा समय है। बाप के सहयोग और भाग्य के खुले भंडार मिलने का समय बीत जाएगा, कार्य पूरा हो जाएगा, फिर किसी को कार्य करने का मौका नहीं मिलेगा। अब इस स्नेह के कारण बाप के रूप में हर समय हर परिस्थिति में साथी है, ऐसा समय अभी चल रहा है। लेकिन इस थोड़े से समय के बाद साथी के बजाय क्या बन जाएगा, साक्षी बन जाएगा। अभी ऐसा है कि आप कोई कर्म करोगे तो बाबा मददगार बनेगा, बाद में फिर आप अपने अनुसार कर्म करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा कर्म करते हैं तो ठीक है, अच्छा नहीं करते हैं तो ठीक है, बाबा साक्षी होकर के केवल देखेगा। चाहे सर्वशक्ति संपन्न बनो चाहे यथाशक्ति बनो, दोनों को साक्षी होकर देखेंगे। इसीलिए इस श्रेष्ठ समय में बाप दादा द्वारा वर्षा और वरदान, सहयोग साथ इस भाग्य की जो प्राप्ति हो रही है उसको प्राप्त कर लो, अभी ही समय है। प्राप्ति में कभी भी अलबेले नहीं बनना। अभी इतने वर्ष पड़े हैं, सृष्टि परिवर्तन के समय और प्राप्ति के समय दोनों को मिलाओ मत। प्राप्ति के लिए सृष्टि परिवर्तन की राह देखने की जरूरत नहीं है। इस अलबेलेपन के संकल्प से सोचते नहीं रह जाना। सदा ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का, बहुत काल की प्राप्ति का यही बोल सदा याद रखो कि अब नहीं तो
कब नहीं। इसलिए कहा कि सिर्फ दो शब्द भी याद रखो, कौन से दो शब्द? भगवान और भाग्य। भगवान आया है हमारा भाग्य बनाने के लिए, इसलिए उनकी ही श्रीमत पर चलना सीखो, तो सदा पद्मापदम भाग्यवान रहेंगे। बाप दादा आपस में रू रूहान करते हैं कि ऐसे पुरानी आदत से मजबूर क्यों हो जाते हैं। बाप तो मजबूत बनाते हैं, फिर भी बच्चे मजबूर हो जाते हैं। हिम्मत की टांगे भी देते हैं, पंख भी देते हैं, साथ साथ भी उड़ाते हैं, फिर भी नीचे ऊपर क्यों होते हैं? बाबा को आश्चर्य लगता है। मौजों के युग में भी मूंझते रहते हैं, इसको कहते हैं पुरानी आदत से मजबूर। जो स्वभाव संस्कार है पुराना, उस अनुसार ही व्यक्ति अपना भाग्य बना सकता है। तो बाबा कहते मजबूर होते हैं। तो बाबा पूछते मजबूत हो या मजबूर हो, क्या कहेंगे? बाबा की श्रीमत पर चल सकते हैं या श्रीमत पर नहीं चलने के लिए मजबूर हो? बाप डबल लाइट बनाते हैं, सब बोझ स्वयं उठाने के लिए साथ देते हैं, फिर भी बोझ उठाने की आदत, बोझ उठा लेते हैं, है ना? चाहे कर्म के रूप में या संकल्प के रूप में। चिंता करना अर्थात बोझ उठाना, सब कुछ उनको सौंप देना अर्थात बोझ उनके हवाले कर देना। फिर कौन सा गीत गाते हैं जानते हो? क्या, क्यों, कैसे, ये के गीत गाते हैं। और दूसरा भी गीत गाते हैं गे का, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, गे का गीत गाते हैं। ये तो भक्ति के गीत है, अधिकारीपन का गीत है पाना था सो पा लिया। तो कौन सा गीत गाते हो? सारे दिन में चेक करो कि आज का गीत कौन सा था, चेक करके लिखो अपनी डायरी में। बाप दादा का बच्चों से स्नेह है, इसलिए स्नेह के कारण सदा यही सोचते हैं कि हर बच्चा सदा संपन्न हो और समर्थ हो, सदा पद्मापदम भाग्यवान हो। अच्छा, फिर सार है, सदा समय प्रमाण वर्षे और वरदान के अधिकारी। सदा भाग्य के खुले भंडार से संपूर्ण भाग्य बनाने वाले, यथाशक्ति को सर्वशक्ति संपन्न में परिवर्तन करने वाले, श्रेष्ठ कर्मों की कलम द्वारा संपन्न तकदीर की लकीर खींचने वाले, समय के महत्व को जानकर सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का फिर क्या कहा आगे, संपन्न बनाने का याद, प्यार और नमस्ते। बाबा चाहते हैं कि सब बच्चे क्या बने, संपन्न और समर्थ। अच्छा, क्या सार रहा मुरली का? भगवान और भाग्य दो बातें याद रखो, और समर्थ और शक्तिशाली बनो। और अभी भंडारा खुला है, ताला चाबी भी नहीं है, तो क्या करो? श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा भाग्य बनाओ। क्या है? श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा भाग्य बनाओ। श्रेष्ठ कर्म कौन सा? श्रेष्ठ कर्म कौन सा? और श्रेष्ठ कर्म कौन सा विवेक भाई? हाँ, बाबा का संदेश देना सबसे श्रेष्ठ कर्म है। बाबा का संदेश देना,
बाबा ने क्या कहा बच्चों को कि आप आधार मूर्त हो, वृक्ष का विस्तार करने वाले हो। क्या करने वाले हो? वृक्ष का विस्तार करने वाले हो, ऐसे जिम्मेवार आत्माएं हो। तो वो है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म। अपना चेकिंग करना है, अपने को संपन्न बनाना है, समर्थ बनाना है, परंतु साथ साथ क्या करना है? श्रेष्ठ कर्म भी करना है। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक जीवन, अलौकिक बाप और अलौकिक वर्षा याद रहता है। जैसे बाप अलौकिक है तो वर्षा भी अलौकिक है। लौकिक बाप हद का वर्षा देता, अलौकिक बाप बेहद का वर्षा देता। तो सदा अलौकिक बाप और वर्षे की स्मृति रहे। कभी लौकिक जीवन की स्मृति में तो नहीं चले जाते, मर्जीवा बन गए ना। जैसे शरीर से मरने वाले कभी भी पिछले जन्मों को याद नहीं कर सकते हैं, ऐसे अलौकिक जीवन वाले, जन्म वाले लौकिक जन्म को याद नहीं कर सकते। बाबा का इतना दृढ़तापूर्वक बाबा के बच्चे बनना है कि हमारा लौकिक जीवन हमें याद भी ना आए। अभी तो युग ही बदल गया है, दुनिया कलयुग ही है और आप संगम युग, पूरा युग बदल गया है। कल हम कलयुग में थे, आज संगम युग में है, तो वो कलयुग को याद नहीं करना है। सब बदल गया, कभी कलयुग में तो नहीं चले जाते हो। ये भी बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस किया तो क्या होगा? दुश्मन के हवाले हो जाएंगे। बॉर्डर क्रॉस किया तो दुश्मन के हवाले हो जाएंगे। तो बॉर्डर क्रॉस तो नहीं करते। सदा संगम योगी अलौकिक जीवन वाली श्रेष्ठ आत्मा है, इस स्मृति में रहो। अभी क्या करेंगे? बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बनो, ऐसा बिजनेसमैन जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला हो। संगम युग में क्या बनो? बिजनेसमैन बनो, बड़ा बिजनेसमैन, होशियार। सदा बेहद के बाप के हैं तो बेहद की सेवा में, सुना क्या कहा? बेहद की सेवा में और बेहद के उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहो। दूसरी बात, सदा डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति की निशानी है सदा उड़ती कला। उड़ती कला वाले कभी भी माया के आकर्षण में नहीं आ सकते। उड़ती कला वाले सदा विजयी, सदा निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। फिर कहते समझाते उड़ती कला क्या है। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। स्थूल रूप में तो उड़ने की बात नहीं है, परंतु मन की स्थिति जो है वो ऊंचे से ऊंची। उड़ते हैं तो ऊंचा जाते हैं ना। ऊंचे से ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली ऊंची आत्माएं समझकर आगे बढ़ते चलो। उड़ती कला वाले अर्थात बुद्धि रूपी पांव धरती पर नहीं, धरती अर्थात देहभान से ऊपर। जो देहभान की धरनी से ऊपर रहते हैं वो सदा फरिश्ता है, जिसका धरनी से कोई रिश्ता नहीं होगा। देहभान को भी जान लिया और देही अभिमानी स्थिति को भी जान लिया। जब दोनों के अंतर को जान गए तो देह अभिमान में फिर आ नहीं सकते हैं। जो अच्छा लगता है वही किया जाता है ना। तो सदा इस स्मृति में रहो कि मैं हूं ही फरिश्ता। क्या स्मृति रहे? मैं हूं ही फरिश्ता। यहां कर्म करना है, लौकिक कर्म करना है, परंतु मन की स्थिति क्या रहे?
फरिश्ता, उसे मन को कोई भी असर ना हो। उड़ती कला में चले गए तो नीचे की धरनी आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे स्पेस में जाते हैं तो धरनी आकर्षित नहीं कर सकती है ना। ऐसे फरिश्ता बन गए तो देह रूपी धरनी आकर्षित नहीं कर सकती। तीसरी बात, सदा सहयोगी, कर्मयोगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी, ऐसी स्थिति का अनुभव करते हो? जहां सहज है वहां निरंतर है, सहज नहीं तो निरंतर नहीं। तो निरंतर होगी हो या अंतर पड़ जाता है, क्या कहेंगे? निरंतर योगी हो या अंतर पड़ जाता है। योगी अर्थात सदा याद में मगन रहने वाले। जब सर्व संबंध बाप से हो गए तो जहां सर्व संबंध है वहां तो याद स्वतः ही होगी, और सर्व संबंध है तो एक की ही याद रहेगी। है ही एक तो सदा याद रहेगा ना। तो सदा सर्व संबंध से एक बाप, दूसरा न कोई। सर्व संबंध से एक बाप, यही सहज विधि है निरंतर योगी बनने की। सर्व संबंध किसके साथ जोड़ने हैं? बाबा के साथ, अभी मन बुद्धि से। बाकी जो संबंध है लौकिक, वो खाली बाबा कहते हैं उसको निभाना है, तो वो भी कहा तोड़ निभाना है। उनके साथ व्यवहार अच्छा करना है, परंतु बुद्धि का योग किसके साथ हो? बाबा के साथ। जब दूसरा संबंध ही नहीं तो याद कहाँ जाएगी? सर्व संबंधों से सहज योगी आत्मा है, ये सदा स्मृति में रखो, स्मृति में रखो, बुद्धि में रखो। सदा बाप समान हर कदम में स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस रखने से सफलता स्वतः ही सामने आएगी। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। बिजी रहने के लिए काम तो करना ही है, लेकिन एक है मेहनत का काम, दूसरा है खेल के समान। बैठ नहीं जाना है, हर एक को काम तो करना ही है, परंतु कैसे करना है? खेल के समान। जब बाप द्वारा शक्तियों का वरदान मिला है तो जहां शक्ति है वहां सब सहज है। सिर्फ परिवार और बाप का बैलेंस हो तो स्वतः ही ब्लेसिंग प्राप्त हो जाती है। जहां ब्लेसिंग है वहां उड़ती कला है, न चाहते हुए भी सहज सफलता है। जितना आप सोचेंगे उसे ज्यादा सफलता मिलेगी। चौथा ग्रुप है, सदा बाप और वर्षा दोनों की स्मृति रहती है। बाप कौन और वर्षा क्या मिलता है, ये स्मृति में स्वतः समर्थ हो जाएंगे। ऐसा अविनाशी वर्षा जो एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाला है। ऐसा वर्षा कभी मिला है? अभी मिला है, सारे कल्प में नहीं। तो सदा बाप और वर्षा, इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो। वर्षे को याद करने से सदा खुशी रहेगी और बाप को याद करने से सदा शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा सदा माया जीत रहेगी। बाबा को याद करने से शक्तिशाली रहेंगे और शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा माया जीत होंगी। और खुशी है तो जीवन है, अगर खुशी नहीं तो जीवन क्या? जीवन होते भी ना के बराबर है, जीते हुए मृत्यु के समान है। जितना वर्षा याद रहेगा उतना खुशी रहेगी, तो सदा खुशी रहती है। बाबा कहते ऐसा वर्षा कोटों में कोई को मिलता है। बाबा के बच्चे कितने बने हैं? कोटों में कोई, और कोई में भी कोई, और हमें मिला है। ये स्मृति कभी भी भूलना नहीं। कोटों में कोई ही बाबा के बच्चे बनते हैं और ड्रामा अनुसार हम सिलेक्ट हो गए हैं बाबा के, तो ये कितनी बड़ी भाग्य की बात है। जितनी याद उतनी प्राप्ति, सदा याद और प्राप्ति की खुशी। फिर बाबा ने कुमारों से बात किया है,
कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन है तो ब्रह्मा कुमार अर्थात रूहानी शक्तिशाली, जिस्मानी शक्तिशाली नहीं, रूहानी शक्तिशाली कुमार जीवन में जो चाहे वो कर सकते हो। तो आप सभी कुमारों ने अपने इस कुमार जीवन में अपना वर्तमान और भविष्य बना लिया। क्या बनाया? कुमार कौन कौन है क्लास में हाथ ऊपर कर। तो बाबा पूछते हैं, है ना, ईश्वरीय जीवन वाले ब्रह्मा कुमार बने तो कितने श्रेष्ठ जीवन वाले हो गए। ऐसी श्रेष्ठ जीवन बन गई जो सदा के लिए दुख और धोखे से बच गए, भटकने से किनारा हो गया। जिस्मानी शक्ति वाले कुमार भटकते रहते हैं, जिस्मानी शक्ति वाले होते हैं तो भी भटकते रहते हैं, लड़ना झगड़ना दुख देना धोखा देना यही करते हैं ना। क्या होता है जीवन में, लौकिक जीवन में क्या होता है। तो कितनी बातों से बच गए, जैसे स्वयं बचे हो वैसे औरों को भी बचाने का उमंग आता है। खुद बच गए हैं वैसे क्या करना है, औरों को भी बचाने का आनंद आता है, उमंग आता है। सदा हम जिन्स को बचाने वाले, जो शक्तियां मिली है वो औरों को भी दो। अखुट शक्तियां मिली है ना, तो सबको शक्तिशाली बनाओ। निमित समझकर सेवा करो। मैं सेवाधारी हूँ नहीं, बाबा कराता है, मैं तो केवल क्या हूँ, निमित्त हूँ। निमित समझकर सेवा करो। मैं सेवाधारी हूँ नहीं, मैं सेवाधारी हूँ ये भी नहीं समझना है। क्या समझना है? करावनहार वो है, मैं निमित्त हूँ। बाबा कराता है, मैं निमित्त हूँ। मैंपन वाले नहीं, जिसमें मैंपन नहीं है वही सच्चे सेवाधारी है। फिर युगलों से बात किया है, सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं होना, स्व का राज्य अर्थात सदा अधिकारी। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकते हैं, अधिकारी कभी भी अधीन नहीं हो सकते। अधीन है तो अधिकार नहीं, जैसे रात है तो दिन नहीं और दिन है तो रात नहीं, ऐसे अधिकारी आत्माएं किसी भी कर्मेंद्रियों के व्यक्ति के वैभव के अधीन नहीं हो सकते। कर्मेंद्रियों के व्यक्ति के और वैभव के अधीन नहीं हो सकते। ऐसे अधिकारी हो, अपने आप को चेक करने के लिए कहते हैं। जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो क्या हुए, अधिकारी हुए ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, इस समर्थ स्मृति से सदा सहज विजयी बनते रहेंगे। स्वप्न में भी हार का संकल्प मात्र भी ना हो, इसको कहा जाता है सदा विजयी। माया भाग गई कि भगा रहे हो, क्या कहेंगे? माया भाग गई है या अभी भी उनको भगाने का पुरुषार्थ करते हो, क्या कहेंगे? इतना भगाया है जो वापस ना आए, कि भगाया फिर घड़ी घड़ी वापस आती है। किसको वापस नहीं लाना होता है तो उसको बहुत बहुत दूर छोड़कर आते हैं। तो इतना दूर भगाया है, घर में कुछ भी होता है, चूहा होता है या तो क्या करते, उसको लेके दूर दूर तक छोड़ के आते हैं ना, जो वापस ना आ जावे। तो माया को भी क्या करना है, दूर दूर तक छोड़ देना, भगा देना है उसको। कैसे भगाएंगे? माया तो चूहा नहीं है तो पकड़ के भगा दो, ऐसा तो नहीं है। माया क्या है? इस धरनी की जो भी बातें हैं, इस दुनिया की जो भी बातें, देह की, देह और देह के संबंध और पदार्थों की जो बातें हैं वो सब माया है। इसलिए मन को ऐसा बनाना है कि कोई अपनी तरफ आकर्षित न करे, ऐसा मन को बनाना है, तो कहा जाएगा कि माया को
दूर दूर तक भगा दिया, और कुछ नहीं है। माया कोई बहुत जबरदस्त नहीं है, पर वो अपने मन की बात है, मन को खींचती है देह की तरफ, जिसको बाबा कहते धरनी की तरफ। अच्छा, वरदान। ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई, है ना वायदा, कि बाप भी है और सब कुछ है, सब है, बाप भी है और सब है। ऐसा है तो लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, कि कोई भी है तो वो अपने अनुसार चलते होंगे और आपको भी उनके अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे चलाने की। उनकी मत पर आपको कभी कभी चलना पड़ेगा, इसलिए बाबा की मत पर पूरा नहीं चल सकते। तो ऐसा अपने मन को बनाना है कि हमें अब बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, कुछ भी हो जाए। यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप भी सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती है। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी होती है, सदैव रूहानी चमक उसके चेहरे पर होंगी। स्लोगन, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। आज मास का तीसरा रविवार है।